हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा चल रहा है टॉपिक ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर की जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो हमने पिछले वीडियो में देखा। अभी हम लोग देख रहे थे, है ना, क्या चीज, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर में हमने कुछ लॉसेस के बारे में डिस्कस किया था और जो बचे हुए हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया भाई एडी करेंट लॉस, ये हमारा पिछले रिव्यू में हो चुका था। सेकंड हमने किया था भाई आई स्क्वायर आर लॉस या कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस। और हमने बात किया था बेटा हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में, हिस्टेरेसिस लॉस। और फिर आज जो हमें बात करनी है बेटा वो है फ्लक्स लीकेज एंड मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन इफेक्ट। ओके, मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन इफेक्ट। तो भाई एडी करेंट लॉस में हमने क्या सीखा था कि जब भी कोई एक कंडक्टिंग मेटालिक पार्ट होता है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है तो उस बल्क मटेरियल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और एक करंट फ्लो होने लगता है। वो जो करंट का नेचर होता है वो सर्कुलेटिंग नेचर का होता है, वो बिल्कुल सिमिलर होता है जैसा अगर हम किसी पानी में पत्थर मारें तो जैसा वो रिपल्स उठता है, जैसा वो भंवर उठता है उसके शेप का होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं, क्योंकि उस वाटर रिपल्स को एक नाम से एडी भी जाना जाता है, इसलिए हम लोग उसको एडी करंट बोलते हैं। उसके कारण क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होने लगता है और वो हीट के रूप में हमारा एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जो कि हम चाहते नहीं है। तो हमने वहां पर पढ़ा था बेटा, ये टॉपिक हमने ईएमआई के अंदर पढ़ा था कि अगर इसको रिड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक पूरी के पूरी बल्क मटेरियल से अच्छा है कि आप उसके पतले पतले, है ना, लेयर्स में बांट दो और उन लेयर्स के बीच में लेमिनेशन लगा दो। तो इससे क्या होता है, एडी करंट के कारण होने वाला जो लॉस होता है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग कोर यूज करते हैं, हमने देखा उसके कंस्ट्रक्शन में कि किसका यूज होता है भाई, आयरन का यूज होता है। आयरन जो कि एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो अगर हम उसको एक बल्क मटेरियल के रूप में यूज करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, लैमिनेटेड कोर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई डू वी यूज लैमिनेटेड कोर इन द ट्रांसफॉर्मर, सो आंसर शुड बी टू रिड्यूस एडी करेंट लॉस। नेक्स्ट, हम लोग उसमें जो जब कॉइल बनाते हैं बेटा, हमने देखा एक प्राइमरी कॉइल लिया, एक सेकेंडरी कॉइल लिया, तो जब भी कॉइल है यानी कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस जरूर होगा और उस रेजिस्टेंस के कारण, है ना, उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा बेटा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, उसको अपन आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं भाई, बढ़िया कंडक्टर यूज करेंगे जो कि कॉपर होता है। ठीक है, हिस्टेरेसिस, आपको याद है बेटा कि जब भी किसी, है ना, मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि सॉफ्ट आयरन है वो क्या है बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो जब भी हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का साइकिल चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक बीएच लूप बना करता था, आ रही बात समझ में, उसका जो एरिया होता था वो हमें क्या बताता था, लॉस पर साइकिल के बारे में बताता था, है ना बच्चे, लॉस पर साइकिल के बारे में बताता था। तो वो क्या होना चाहिए, एरिया पतला होना चाहिए, ऐसे मटेरियल हम यूज करेंगे ताकि हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। ठीक है, तो हमने देखा था बेटा जो सॉफ्ट आयरन होता है उसका एरिया काफी पतला होता है, तो ऐसे जब भी यूजेस होंगे तो वहां पर हम लोग सॉफ्ट आयरन का कोर लगाएंगे और उसका रीजन होगा टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस। नेक्स्ट है बेटा फ्लक्स लीकेज। तो जैसा हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर के केस में, है ना, जब हमने ट्रांसफॉर्मर बनाया था बच्चे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहां हमने इस तरीके से एक कॉइल लगाया और ये दूसरा कॉइल लगाया। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या बोला कि यहां जो भी फ्लक्स हो रहा है ना वो पूरा का पूरा फ्लक्स यहां भी लिंक हो रहा है, लेकिन ऐसा रियलिटी में हो नहीं सकता, यहां का 100% फ्लक्स यहां पर लिंक नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है बेटा, लीक आउट हो जाता है, बाहर चले जाता है। ठीक है,
उसको उसके कारण हमें कुछ ना कुछ लॉस होगा, उसको बोलेंगे फ्लक्स लीकेज के कारण होने वाला लॉस। और ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट से ही कनेक्टेड है, इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। हमें इसके बारे में यहाँ पर बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझो कि ये भी एक प्रकार का लॉस होता है। ये हायर क्लासेस में पढ़ने की चीजें होती है, हमें इंजीनियरिंग के टाइम पढ़ाया जाता था, ठीक है, तो हमें इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इतने प्रकार के लॉसेस होते हैं बेटा, बोर्ड में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, तो ये सारे लॉसेस होते हैं, इसको अपने को लिख देना है, हमें कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। फिर बात समझ में आ गई आपको बिल्कुल पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया बेटा ट्रांसफॉर्मर में होने वाले लॉसेस। अब सवाल उठता है कि हम लोग ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके बच्चे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, लेट्स सी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज है बेटा वो है अल्टरनेटिंग नेचर का जो वोल्टेज होता है उसको अप या डाउन करने में अपन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लेवल को अप या डाउन करने के लिए वी यूज ट्रांसफार्मर, ठीक है। टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द लेवल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज को के लेवल को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इस बेसिस पर बेटा ट्रांसफार्मर हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के, दो टाइप के। तो हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की, व्हाट दिस। तो बच्चे जब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये होगा बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये दो टाइप के, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके बच्चे, ये दो टाइप के ट्रांसफार्मर हमारे पास होते हैं। अब बेटा देखो ये जो नाम है इसका स्टेप अप, वही इसका काम बता रहा है भाई कि ये क्या करेगा, वोल्टेज के लेवल को स्टेप अप करेगा, ऊपर करेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो चलो एक एक करके बात करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, लेट्स सी। तो मैं बात कर रहा हूं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कहता है, देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर है ना इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज बड़ा हो जाए, ठीक है, इफ आउटपुट वोल्टेज is greater than input voltage, it is called step up transformer। ओके बच्चे, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपको समझ में आ गया कि अगर हमारा आउटपुट वोल्टेज यानी सेकेंडरी वोल्टेज अगर इनपुट वोल्टेज यानी प्राइमरी वोल्टेज से बड़ा है तो इसका मतलब है कि यहाँ ये जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज के लेवल को अप कर रहा है। ओके बच्चे, तो दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसकी जो शर्त हो गई बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वो हो गई कि ई जो है सेकेंडरी में वो बड़ा होना चाहिए ई प्राइमरी के, है ना। तो बेटा इससे हमें समझ में आता है कि ई सेकेंडरी और ई प्राइमरी का रेशियो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। और हमने एक और चीज सीख रखा है बेटा कि ई सेकेंडरी बाय ई प्राइमरी जो होता है वो टर्न्स रेशियो यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बराबर होता है, ठीक है बच्चा। तो ई एस बाय ई पी की जगह हम क्या रख सकते हैं, एन एस बाय एन पी, देयरफॉर एन एस बाय एन पी शुड बी ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से हमें समझ में आया बेटा एन एस शुड बी ग्रेटर देन एन पी, व्हाट डज इट टेल अस, ठीक है। ये क्या कहता है बेटा हमें कि जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल है वो बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल, ठीक है।
नोट करके मैं लिख रहा हूं बच्चे कि फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाना है, फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल शुड बी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। ठीक है बच्चे, दैट इज एनएस ग्रेटर देन एनपी। अगर इस सिचुएशन को फुलफिल कर रहा होगा दैट मींस कि वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। ओके बच्चे, अच्छे से समझ में आया आप सभी बच्चों को, क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की कहानी खत्म हुई, तो अब बात करेंगे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, दूसरा जो ट्रांसफॉर्मर होगा उसको हम लोग कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। लेट्स सी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो नाम से ये भी क्लियर है बेटा कि ये क्या काम करेगा। तो आउटपुट में हमें यहां वोल्टेज क्या मिलेगा? कम। तो इफ आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इनपुट वोल्टेज देन इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, इफ आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इनपुट वोल्टेज देन इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दैट इज एन ई प्राइमरी शुड बी लेस देन ई सेकेंडरी। ठीक है बच्चे, तो यहां से देखो हमें क्या मिलता है कि ई प्राइमरी बाय ई सेकेंडरी शुड बी लेस देन वन। ठीक है बेटा, ई प्राइमरी बाय ई सेकेंडरी शुड बी लेस देन वन। ठीक है भाई, ये चीज हमें समझ में आ गया। ओके, नाउ व्हाट। अब बच्चे हमें पता है कि ई सेकेंडरी बाय ई प्राइमरी क्या होता है, एन सेकेंडरी बाय एन प्राइमरी। ठीक है, तो ई प्राइमरी बाय ई सेकेंडरी क्या होगा भाई, तो एन प्राइमरी बाय एन सेकेंडरी। इस चीज को यहां पर पुट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया बेटा एन प्राइमरी बाय एन सेकेंडरी को भी लेस देन वन होना चाहिए। दैट मींस कि एन प्राइमरी शुड बी लेस देन एन सेकेंडरी। एन प्राइमरी शुड बी लेस देन, कुछ तो गड़बड़ किया ना मैंने, अच्छा ई सेकेंडरी को मैंने बड़ा कर दिया। आपको इफ आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन ई सेकेंडरी, छोटा होगा ना, गड़बड़ किया मैंने, हाँ सॉरी। आउटपुट में क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आउटपुट कौन है भाई? सेकेंडरी। शुड बी लेस देन ई प्राइमरी। देयरफॉर ई सेकेंडरी बाय ई प्राइमरी शुड बी लेस देन वन। देयरफॉर ई सेकेंडरी बाय ई प्राइमरी क्या होता है बेटा? एन सेकेंडरी बाय एन प्राइमरी शुड बी लेस देन वन। देयरफॉर एन सेकेंडरी शुड बी लेस देन एन प्राइमरी। तो यहां देखो हमें क्या कंडीशन मिला भाई, क्या कंडीशन मिला, इस सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या होने चाहिए बेटा? कम होने चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। व्हाट दिस? ठीक है बच्चे, नाउ सी एन सेकेंडरी शुड बी लेस देन एन प्राइमरी। अब क्या करें भाई, तो नोट करके अपन लिख लेंगे, ये कंडीशन हो गया है ना। अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है बनाना है तो ये कंडीशन हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल शुड बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल, दैट इज एन सेकेंडरी शुड बी लेस देन एन प्राइमरी। तो ये कंडीशन हो गया बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, तो ये रही कहानी ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर की सारी बातें हमने सीख ली। ठीक है बच्चे,
इसी के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे बच्चे। सिंपल सा एक फॉर्मूला है भाई, है ना, इसका जो हमने देखा ई सेकेंडरी बाई ई प्राइमरी या वी सेकेंडरी बाई वी प्राइमरी या आई प्राइमरी बाई आई सेकेंडरी इक्वल्स टू एन सेकेंडरी बाई एन प्राइमरी, इसी पर आपके इसके सारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। क्लियर है बच्चे। ट्रांसफॉर्मर के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चे जेनरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक जेनरेटर। तो भाई जेनरेटर जो है इलेक्ट्रिक जेनरेटर, ठीक है बच्चा, ये हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप के, एक पढ़ेंगे बेटा एसी जेनरेटर और एक पढ़ेंगे हम लोग डीसी जेनरेटर। तो अभी पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एसी जेनरेटर की, ओके बच्चे, एसी जेनरेटर की। तो सबसे पहले जेनरेटर होता क्या है भाई, जेनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस है जेनरेटर, ओके गॉट दिस, ठीक है। तो अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज एसी जेनरेटर। अंडरस्टूड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसी जेनरेटर कहते हैं, ओके भाई। नाउ सी ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है बच्चे, हर एक डिवाइस जो होता है वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है बच्चे। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, ठीक है, इट वर्क्स ऑन ईएमआई, ठीक है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। क्लियर है बच्चे। दूसरी चीज, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल हमको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको याद ही होगा, है ना बच्चे, जब एक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, कट करता है तो उसमें क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, है ना, और करंट भी इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाता है, और दिस उसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। अब हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की, इसका कंस्ट्रक्शन जो है बेटा, कंस्ट्रक्शन ये आपको क्लास 10th में भी सिखाया गया होगा, और हो सकता है मैंने ईएमआई चैप्टर में या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर में हमने इसको किया होगा शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं इसलिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर हो गया होगा तो रिपीट हो जाएगा, और नहीं हुआ होगा तब तो अच्छा ही है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में इसकी चार चीजें हो जाती है बेटा, एक हो जाता है सबसे पहले फील्ड मैग्नेट, ठीक है बेटा, एक क्या लग जाता है अपने को, फील्ड मैग्नेट, और दूसरी चीज जो हमें लग जाती है बेटा वो है आर्मेचर कॉइल, और तीसरी चीज लग जाती है हमें कार्बन ब्रश, और चौथी चीज है वो है बेटा स्लिप रिंग, ठीक है बेटा। ये इतने चार चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चार इसके मेन कंपोनेंट है किसी भी जेनरेटर के। चलो इसको बात करते हैं बारी बारी से, ओके लेट्स सी। तो बच्चे डायग्राम देखो, इसका डायग्राम मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फील्ड मैग्नेट। तो आपको क्या करना है, एक फील्ड मैग्नेट लेना होता है, क्या लेना होता है बेटा, फील्ड मैग्नेट लेना होता है, और वो फील्ड मैग्नेट जो होता है वो जनरली हम लोग हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट या यू शेप्ड मैग्नेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चे, हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट यूज करते हैं अपन। तो हमने उस मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में, है ना, फील्ड मैग्नेट समझ में आ गया होगा आपको बच्चे, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको फील्ड मैग्नेट को, कि टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड
वी यूज अ स्ट्रांग मैग्नेट विच इज जनरली हॉर्स शू टाइप मैग्नेट और यू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है, इट इज नॉन इट इज कॉल्ड फील्ड मैग्नेट, इसको अपन फील्ड मैग्नेट कह देंगे। तो ऐसा आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिख लो, ठीक है। और हमने फील्ड मैग्नेट बना लिया बेटा। अब इसके दोनों पोल्स के बीच में है ना, इसके दोनों पोल्स के बीच में हम लगा देते हैं एक आर्मेचर कॉइल। अब सवाल उठता है कि आर्मेचर कॉइल होता क्या है। तो आर्मेचर कॉइल का मतलब होता है बेटा कि आर्मेचर कॉइल का मतलब होता है कि हमें क्या करनी है, एक ऐसा मान लो हमने ऐसा सिलिंड्रिकल शेप का, ठीक है बच्चे, सिलिंड्रिकल शेप का हमने एक सॉफ्ट आयरन का कोर ले लिया और इस सॉफ्ट आयरन के कोर पर अपन क्या करेंगे, किसी चीज को लपेटेंगे, समझो, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या लपेटेंगे, कंडक्टर, कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर वायर को अपन इस तरीके से लपेटेंगे इसके ऊपर बेटा, ठीक है। इस तरीके से जब अपन लपेटेंगे तो देखो इसका शेप कैसा आ रहा है, ये जो वायर, अगर सिर्फ देखो वायर का शेप कैसा आ रहा है बेटा, रेक्टेंगुलर शेप आ रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, रेक्टेंगुलर कॉइल बन जाता है। जब हम बहुत सारे फेरे इसके लगा देते हैं, बहुत सारे टर्न्स लगा देते हैं, तो हमें मिलता है एक कॉइल, ठीक है। कैसा शेप होता है उसका, रेक्टेंगुलर, ओके। तो हमें आर्मेचर कॉइल मिला, क्या बोल क्या हो कैसे मिले बेटा आर्मेचर कॉइल, व्हेन वी है ना, व्हेन वी रैप सेवरल टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर द सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर वी ऑब्टेन आर्मेचर कॉइल, ठीक है। इसको अपन क्या कह देते हैं, आर्मेचर कॉइल कह देते हैं, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो बेटा मतलब हमको किससे, हमको तो उस जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उससे मतलब है बच्चे, किससे मतलब है, रेक्टेंगुलर कॉइल से मतलब है। बट उसको सपोर्ट देने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो उसके सपोर्ट देने के लिए ही वो सॉफ्ट आयरन का कोर लगाया जाता है, क्लियर है बच्चे। तो ये इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया, नाम रख लिया मान लो बेटा ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और डी। इस तरीके से आपको हमने क्या बना लिया, एक आर्मेचर कॉइल बना लिया, ठीक है बेटा। इसको आप रोटर पार्ट भी बोलते हो, क्या बोलते हो, रोटर, क्योंकि इसी चीज को अपन क्या करते हैं, घुमाते हैं, ये क्या रहता है, स्थिर रहता है, वो स्टेटर है और जो घूमता है वो रोटर है, स्टेशनरी चीज स्टेटर, रोटेट करने वाली चीज रोटर। तो रोटर पार्ट कौन है, आर्मेचर कॉइल, स्टेटर पार्ट कौन है, तो ये फील्ड मैग्नेट, ओके बच्चे। अब ये इस तरीके से जब हमें रेक्टेंगुलर कॉइल मिल जाएगा, जब हम लपेट लेंगे बेटा तो दो एंड्स मिलेंगे हमें, है ना, दो एंड्स मिलेंगे। अब इसको क्या करते हैं, एक शाफ्ट लगा देते हैं, ठीक है बच्चे, इस तरीके से अपन क्या करते हैं बेटा, शाफ्ट लगा देते हैं, ये एक्सिस ऑफ द शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट, आ रही बात समझ में। अब इस शाफ्ट के ऊपर क्या करते हैं बच्चे, ये जो एक एंड मिला और ये जो दूसरा एंड मिला, ठीक है, तो इस एंड को भी एक ऐसा कार्बन रिंग, ठीक है, फुल रिंग होता है ऐसा, जिस तरीके से ये चीज है बेटा, ऐसा एक रिंग होता है, ठीक है, कार्बन रिंग सॉरी कॉपर रिंग, उसको ऐसा एक एंड से कनेक्ट कर दिया और दूसरे वाले को भी एक एंड से इसके ऊपर कनेक्ट किया हुआ है, आगे बात समझ में। तो देखो ये जो ऐसा है, ये ऐसा जाकर के फिर इससे कनेक्टेड है और ये ऐसा जाकर के इससे कनेक्टेड है। मान लो बेटा, मान लो कि ये वाला जो रिंग है ना, इसको हमने X बोला और ये वाला जो रिंग है ना, इसको हमने Y बोला, इसको हमने X बोला और इसको हमने Y बोला। अब ये क्या होता है, ये जो रिंग है वो एक कार्बन ब्रश के टच में होता है, कार्बन ब्रश के टच में होता है, ये इसको नाम रख दिया मान लो P और इसको भी एक कार्बन ब्रश के टच में रखा जाता है, इसको हमने नाम बोल दिया Q, ठीक है, और इसके जो है हमने एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, क्या करा बच्चे, एक गैल्वेनोमीटर से ऐसा हमने जोड़ दिया, ओके। तो दिस इज द सेटअप ऑफ अ जनरेटर, एसी जनरेटर, दिस इज द सेटअप ऑफ एन एसी जनरेटर, अंडरस्टूड बच्चे। तो भाई एसी जनरेटर के चार इंपॉर्टेंट पार्ट हुए, फील्ड मैग्नेट आपको समझ में आ गया, फील्ड मैग्नेट हम लोग हॉर्स शू टाइप का
है ना, या यू शेप का मैग्नेट यूज करते हैं, जो स्ट्रांग मैग्नेट हो, जो फील्ड को क्रिएट करता है ना, स्ट्रांग फील्ड प्रोड्यूस करने के काम में लाते हैं, ये हो गया हमारा फील्ड मैग्नेट। दूसरा हमने बोला भाई आर्मेचर कॉइल, हाउ कैन बी ऑब्टेन आर्मेचर कॉइल बाय रैपिंग सेवरल टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर द सॉफ्ट आयरन सॉरी सिलिंड्रिकल कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन, अंडरस्टूड। तो यहां से हमें आर्मेचर कॉइल मिल जाएगा एबीसीडी, उसके जो दो एंड्स हैं उनके एक एक एंड को एक एक फुल रिंग है ना, कॉपर फुल रिंग से अपन क्या करते हैं उसको कनेक्ट कर देते हैं परमानेंटली। ये वाला एंड परमानेंटली इससे जुड़ा रहेगा और ये वाला रिंग परमानेंटली इससे जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये रिंग हो गया, क्लियर है बच्चे। और ये जो है कार्बन ब्रश है ना, कार्बन ब्रश का काम क्या होता है बेटा, कार्बन ब्रश का काम होता है सप्लाई, जो बिजली पैदा होगी ना, करंट जो पैदा होगा, ईएमएफ जो पैदा होगा, वो इसके थ्रू से आउटपुट लिया जाएगा। तो ये था पूरे चारों इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स। नाउ हमें देखना है कि ये वर्क कैसे करता है, वर्किंग इसकी देखनी है, ठीक है बच्चे। वर्किंग एंड थ्योरी गॉट दिस, वर्किंग एंड थ्योरी। तो बच्चे जैसा कि आपको पता है, आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है तो आपको क्या करना होता है बेटा, इसको घुमाना पड़ता है, क्लियर है ना, इसको क्या करना होता है, घुमाना पड़ता है। तो जब हम इसको घुमाएंगे, मान लो इसको ऐसा रोटेट कर रहा हूं, तो एक स्पीड देनी पड़ेगी, एंगुलर स्पीड, सपोज हमने क्या दिया बेटा, ओमेगा दिया। जब हम इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाएंगे, तो जैसे घुमाना चालू किया बेटा, तो ये ऊपर आएगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, नीचे जाएगा, ठीक है बेटा। तो पहले देखो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और ये जो लूप है उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो बेटा जो इसका फ्लक्स बनेगा BA cos थीटा है ना, BA cos थीटा, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो फ्लक्स अभी जीरो है, लेकिन जैसे ही ये टर्न होगा तो फिर कुछ ना कुछ फ्लक्स आने लगेगा, फिर ये थीटा बदलता रहेगा और फ्लक्स बदलता रहेगा। तो फ्लक्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और फ्लक्स के चेंज होने से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होता है बेटा, ईएमएफ जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, इंड्यूस होता है, आ रही बात समझ पे। तो इसी प्रिंसिपल पर, इसी थ्योरी पर हमारा जो ये है वो वर्क करता है। तो बेटा मान लिया हमने, क्या मान लिया, इस फाइ इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है बच्चे। थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बेटे, बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हमने बहुत बार किया है। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा, एन है, तो साथ में वो एन भी आएगा, तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी, दिस इज फाइ। हमको पता है बेटा कि अगर हमें ईएमएफ जनरेटेड निकालना है तो माइनस डी फाइ बाय डी टी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा माइनस इस चीज को ये करोगे तो एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का क्या होता है बेटा, माइनस साइन ओमेगा टी है ना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस जो आया बेटा वो आया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, देखो। तो ईएमएफ जो जनरेट हुआ बेटा वो क्या आ रहा है, साइन का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। देखो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इसमें वो क्या आ रहा है, साइन का फंक्शन आ रहा है, ओके बच्चे, बहुत अच्छे है। नाउ सी कि ये ईएमएफ हो गया, अगर मैं चाहता हूं कि इसका मैक्सिमम कितना ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, तो वी विल टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, और वो कितना होता है बेटा, वन। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उसको अगर मैं ई नॉट से शो करूं तो वो कितना होगा बेटा, एन बी ए ओमेगा, ठीक है। तो देयरफॉर ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो यहां से क्लियर सीन हो रहा है बेटा कि इसका जो वेरिएशन होगा ना वो साइन फंक्शन के रूप में होगा, इसका जो वेरिएशन होगा वो साइन फंक्शन के रूप में होगा। तो अच्छा, ये तो हो गया थ्योरी वाइज। अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करूंगा है ना, ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा, यहां तक नोट करने के बाद है ना, इस चीज को अगर मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा तो ये आएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ई का टी के साथ, तो बेटा साइन का जो वेरिएशन है वो इसका वेरिएशन होगा। साइन फंक्शन कैसे ड्रॉ होता है, इस तरीके से ड्रॉ होता है, तो हमारा जो ईएमएफ का वेरिएशन होगा टाइम के साथ वो इस तरीके से होगा। और ये देखो किसका होता है बेटा, किसका होता है, अल्टरनेटिंग का होता है। तो ये कहानी समझ में आ गई आपको। अब देखो यहां से समझो, यहां से जब हम समझेंगे तो क्या देख रहे हैं बच्चे कि स्टार्टिंग में है ना, जब हम इसको घुमाना चालू करेंगे तो बेटा ये वाला जो साइड है वो ऊपर आना चालू करेगा और ये जो सीडी है वो अंदर जाना चाहेगा, जाना शुरू करेगा, ये ऊपर आ रहा है और ये अंदर जा रहा है। तो ये वाला जो साइड है ए बी वो क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में ऊपर आ रहा है बेटा, है ना, स्टार्टिंग में वो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है।
तो हमने बताया था बेटा कि जो करंट फ्लो होता है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे निकालना है, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हमने राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सीखा था, है ना, कि अपने राइट हैंड के थ्री फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करना है, थंब को मोशन के डायरेक्शन में रखना है ना, इसको फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, तो ये किसको डायरेक्शन बताएगा, करंट का डायरेक्शन बताएगा, तो वी विल यूज दैट, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है बेटा, ऊपर आ रहा है, तो इसको ऊपर के डायरेक्शन में रखा। फील्ड किधर है बेटा, इस तरफ है, तो देखो ये जो मिड फिंगर है वो ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स किस टाइम पर करंट इसमें क्या जा रहा है बेटा, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, करंट इसमें ऊपर की ओर जा रहा है। तो सिमिलरली बच्चे इसमें देखोगे तो ये क्या हो रहा था, अंदर जा रहा था, तो अंदर जा रहा था, इसको अंदर रखो, फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ था, तो देखो ये मिड फिंगर किधर आ रहा है, अंदर की ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें करंट इस तरीके से आ रहा है। तो बेटा इसमें करंट का फ्लो जो है कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो बेटा सी से डी में आया, डी से देखो डी वाला किससे कनेक्टेड है, वाई से, तो डी से वाई में आया और वाई से चलते हुए ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से इसमें जाएगा और इससे फिर देखो ये लूप कंप्लीट हुआ। तो अभी करंट जो है यहां से निकला ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, इस तरीके से हुआ, क्लियर है बच्चे। जब ये ऐसा है ना, इस तरीके से आधा चक्कर लगा लेगा बेटा, आधा चक्कर ये वाला है ना, ऐसा घुमा रहा हूं, तो घुमाऊंगा तो जब आधा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा इसका सिचुएशन, ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, आ रही बात समझ में, ठीक है। ऐसा था, अब ये इधर आ जाएगा, मतलब ए बी, ये अंगूठे को ए बी बोल रहा हूं, तो ए बी इधर आ जाएगा और ये जो ये छोटी वाली फिंगर है वो सी डी है बेटा, तो सी डी इधर चला जाएगा जब आधी चक्कर घूम जाएगी, तो आधे चक्कर घूमने के बाद आधे चक्कर घूमने के बाद जो इसकी स्थिति होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है बेटा। आधे चक्कर घूमने के बाद इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, ए बी इधर आ जाएगा और सी डी इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखो ए बी से क्या कनेक्टेड था बेटा, ए बी से कौन कनेक्टेड था, ए बी से एक्स कनेक्टेड था, तो वो तो परमानेंटली उससे कनेक्टेड है ना, तो ए बी से एक्स कनेक्टेड है, ए बी से एक्स कनेक्टेड है और एक्स से कौन कनेक्टेड है बेटा, पी कनेक्टेड है, ओके। और सी डी से कौन कनेक्टेड है, सी डी से वाई कनेक्टेड है, वो परमानेंटली वाई से कनेक्टेड है, तो ये वाई से कनेक्टेड है और वाई किस से कनेक्टेड है बेटा, वो क्यू से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसा तो हमारा सिचुएशन है, तो और घुमा तो हम कंटिन्यूअसली वैसे ही रहे बेटा, ठीक है ना, इस तरीके से था, इसको हमने ऐसा घुमाया, आगे फिर कैसा घूमेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी जब ये आधा चक्कर पूरा कर लिया तो अब सिचुएशन ऐसा हो गया, आधा चक्कर पूरा कर लिया तो ऐसा सिचुएशन हो गया। अब क्या होगा बेटा, पहले स्टार्टिंग में ऐसा था, अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया, अभी कंटिन्यू घूमेगा तो अब फिर ये है ना, ये ऐसा, तो सी डी ऊपर आने लगेगा और ए बी अंदर जाने लगेगा, क्लियर है। अब है ना, अब जो है ए बी अंदर जाने लगेगा और सी डी बाहर की ओर आने लगेगा, तो फिर से अपन करेंगे बेटा, ठीक है। इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है और सी डी अभी क्या हो रहा है बेटा, ऊपर आ रहा है, तो लगाओ इसको, सी डी इज कमिंग आउटसाइड, फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड मिड फिंगर इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन वी विल यूज हियर, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस, ओके बच्चे, ऐसा हो जाएगा। तो देखो अब क्या हो रहा है बेटा, ए बी से यहां आया, इससे एक्स में गया, एक्स से पी में गया, पी से इधर जाएगा, है ना, पी से इधर जाएगा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से क्यू में, है ना, क्यू से फिर देखो ये ऐसा ऐसा ऐसा, देखो करंट का डायरेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब क्या हो रहा है बेटा, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपने क्या देखा, स्टार्टिंग का जो हाफ साइकिल था, स्टार्टिंग में जो आधा रोटेशन था उसमें करंट इधर से इधर जा रहा है ना, इधर से इधर, लेकिन बाद के आधे साइकिल में क्या हो रहा है बेटा, करंट इधर से इधर जा रहा है। तो देखो हुआ ना, आधे साइकिल के लिए करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आधे साइकिल के लिए करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जो कि शो कर रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब भी डायरेक्शन करंट का चेंज होता है बेटा, तो वो करंट कौन सा होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो इस तरीके से जो हमें करंट मिल रहा है वो अल्टरनेटिंग नेचर का है, एसी नेचर का है। अच्छे से समझ में आया बच्चे, क्लियर है। तो ये रही कहानी अल्टरनेटिंग नेचर के जनरेटर की, यानी एसी जनरेटर की। अब बात करेंगे हम लोग बेटा डीसी जनरेटर की, है ना, डीसी जनरेटर। तो बच्चे डीसी जनरेटर बहुत ही आसान है, अगर आपको एसी समझ में आया तो डीसी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे भाई, कैसे कैसे, क्योंकि इसकी सारी चीजें सेम है, द होल थ्योरी प्रिंसिपल
वर्किंग एवरीथिंग इज सेम। तो अलग क्या है भैया, अलग क्यों नाम रखे इसका, डीसी क्यों नाम रखा, तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज है। क्या है बच्चे, छोटा सा चेंज है। व्हाट इज दैट चेंज, वो ये है कि वहां पर जो हम लोग फुल रिंग यूज किया करते थे है ना, उस फुल रिंग की जगह पर यहां पर हम लोग हाफ रिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, हाफ रिंग यूज करते हैं बस, और कोई चेंज नहीं है। ठीक है बच्चे, सिर्फ एक ही चेंज है, डीसी जनरेटर। ध्यान से समझे, सब कुछ सेम है। ये भी क्या करता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करेंगे। इसके भी चार पार्ट होंगे, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर कॉइल, तीसरा जो वहां पर हमने फुल रिंग दिखा था जिसको हमने स्लिप रिंग बोला था, उसके जगह पर इसको बोलेंगे हम लोग बच्चे हाफ रिंग या कम्यूटेटर रिंग। क्या बोलेंगे बच्चे, कम्यूटेटर रिंग या हाफ रिंग बस, और कोई चीज नहीं। कार्बन ब्रश भी सेम है, कंस्ट्रक्शन भी सेम है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी सेम है। तो वो सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो सेम चीजें आप लिख लेना बेटा। तो चेंज के तौर पर जो है सिर्फ वो है, और उसका क्या यूज है वो हम इसके वर्किंग में समझ लेते हैं। ठीक है बच्चे, यहां पर क्या होता है, ये हमारा शाफ्ट है बच्चे, और उस शाफ्ट के ऊपर है ना ये वाला जो एंड है, ठीक है, ठीक है, आधा रिंग जो है इस वाले एंड से टच रहेगा, और आधा रिंग जो है, ठीक है, आधा रिंग जो है वो इस वाले एंड से टच होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैंने इसको ए बी सी और डी नाम रखा है, और इसको मैंने एक्स बोला और इसको मैंने वाई बोला, ठीक है बच्चे, इसको मैंने एक्स बोला और इसको मैंने वाई बोला, तो यहाँ एक कार्बन ब्रश होगा जो जैसा पहले रहता था, और यहाँ भी एक कार्बन ब्रश होगा जैसा पहले रहता था। इसको हम टी क्यू बोलेंगे और इसको हम क्यू बोलेंगे, और इसके साथ लगा रहेगा एक गैल्वेनोमीटर, बस हो गया। इतना ही बस चेंज है कि वहां पर फुल रिंग था, यहाँ पर हाफ रिंग है, और ये हाफ जो है इससे अटैच्ड है, और वाई जो है वो सीडी से अटैच्ड है हमेशा। ठीक है, वाई जो है वो सीडी से अटैच्ड है। अब होगा क्या, देखो जब हम यहाँ पर नॉर्थ है बेटा, यहाँ साउथ है, फील्ड लाइन्स इस तरीके से है, हमने इसको ऐसा घुमाना चालू किया, तो घुमाऊंगा तो बेटा अगेन क्या होगा, ये वाला ऊपर आना शुरू करेगा, और सीडी वाला है ना, ये ए बी और ये सीडी, तो ए बी ऊपर आएगा बेटा, सीडी अंदर जाएगा। फिर से हम लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, है ना बेटा, तो देखो क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर है। सिमिलरली आप यूज करोगे तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, नीचे आएगा। तो देखो बेटा, ए बी से आया सीडी से, सीडी किससे आया वाई से, वाई से क्यू में, और क्यू से इधर गया, और इधर से ऐसे ऐसे देखो कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही बेटा आधा साइकिल होगा, है ना, आधा साइकिल होगा, तो ए बी देखो यहाँ आ गया, थंब ए बी तक था, और ये ऐसा हो गया। तो बेटा आधे साइकिल के बाद क्या हो जाएगी, परिस्थिति चेंज हो जाएगी, है ना, आधे साइकिल के बाद परिस्थिति चेंज हो जाएगी। कैसे, अब ए बी इधर आ गया बच्चे, सीडी इधर आ गया, ये अभी भी घूमेगा, अभी तो आधा ही चक्कर कंप्लीट किया, ठीक है, अभी भी घूमेगा। अब बेटा देखो ए बी से कौन कनेक्टेड था, ए बी से एक्स कनेक्टेड था, तो ए बी से एक्स कनेक्टेड था, ठीक है बच्चे, और सीडी से कौन कनेक्टेड था, वाई कनेक्टेड था, तो सीडी को इधर आ गया, इस तरफ आ गया। अब देखो बेटा x पहले किसके टच में था, p के टच में, लेकिन x अब इधर आ गया और y उधर चला गया, तो अब x किससे कॉन्टेक्ट बना लेगा बेटा, q से, x किससे कॉन्टेक्ट बना लेगा, q से, और y किससे कॉन्टेक्ट कर लेगा, वहां जाकर के p से कॉन्टेक्ट कर लेगा, ठीक है, इधर p से कॉन्टेक्ट कर लेगा, और इधर क्या है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा भाई, ये अभी भी घूम रहा है ना, मैंने बोला ये ऐसा था, फिर ये कैसा हो गया बेटा, ऐसा हो गया, और फर्दर घूमेगा तो फिर ये ऐसा होगा। अब क्या हो रहा है, ए बी अंदर जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है, नाउ है ना, हम जब डायरेक्शन लगाएंगे, अभी क्या हो रहा है, सीडी ऊपर आ रहा है, अगेन लगाएंगे बेटा, इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर गया, सिमिलरली आप यूज करोगे और इसमें आएगा डायरेक्शन ऐसा। तो अब क्या हो रहा है बेटा, ए बी से नीचे आकर के एक्स में जा करके, और एक्स से जा करके फिर देखो ये ऐसा। तो इसमें क्या हुआ बेटा, पहले भी हाफ साइकिल में करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा था, और अगले हाफ में भी देखो करंट क्या हो रहा है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ठीक है बच्चे, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। हमने पढ़ा है जिसमें करंट का डायरेक्शन ना चेंज हो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, डीसी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अंडरस्टूड, तो ये है डायरेक्ट,
करेंट जनरेटर यानी डीसी जनरेटर। ओके बच्चे, तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर? द ओनली डिफरेंस वाज दैट इनस्टेड ऑफ अ फुल रिंग वी यूज हाफ रिंग, और इस हाफ रिंग को हम लोग कम्यूटेटर रिंग भी कहते हैं। व्हाट इज कम्यूटेटर रिंग? कम्यूटेटर रिंग है व्हाट वी सेड कम्यूटेटर, COMMUTATOR कम्यूटेटर रिंग। ठीक है बेटा, कम्यूटेट करना मतलब क्या होता है बेटा? पलटना है ना, क्या होता है कम्यूटेट करना मतलब पलटना, डायरेक्शन को पलटना। क्लियर है बच्चे? तो ये जो कम्यूटेटर रिंग है ना वो क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने में हेल्प करता है। क्या करता है आपसे पूछेगा, व्हाट इज द यूज ऑफ कम्यूटेटर रिंग है ना, व्हाट इज द यूज ऑफ कम्यूटेटर रिंग? तो बोलना टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है बेटा, किस में लगा होता है? डीसी वाले में। ठीक है, डीसी वाले में लगा होता है ये चीज। अंडरस्टूड? ये रही कहानी बच्चे डीसी जनरेटर की। बच्चों, प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से हमारा अल्टरनेटिंग चैप्टर फिनिश हुआ। आज ये आपका लास्ट लेक्चर था, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो फटाफट कर डालिए आप, है ना, आगे का काम आपका है। ओके बच्चों, बाय बाय।